अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं पतंगबाजी एक बहुत ही ख़तरनाक खेल है। पाकिस्तान में माजी में पतंगबाजी की वजह से बहुत से हादसात पेश आए। इन हादसात की गिनती बसंत के फेस्टिवल के दौरान 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और इस दौरान बहुत से लोग मौत का शिकार बनते हैं। रिसेंटली फैसलाबाद में एक ऐसा ही इंसिडेंस पेश आया। हुआ कुछ यूँ, एक शख्स जिसका नाम आसिफ है और उम्र 25 साल बताई जाती है और यह भी बताया जाता है कि इनकी शादी होने वाली थी। ये शख्स घर से 5 बजे के दौरान अफ्तारी का सामान लेने निकला और यह हादसे का शिकार हो गया। हुआ कुछ यूं कि इनकी गर्दन पे पतंग की डोर फिर गई, जिसकी वजह से इनकी गर्दन कट गई। ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। ये भी मुमकिन है कि हमारे पतंगबाजी के शौक़ की वजह से हमारे ही किसी घर के फर्द की जान चली जाए और हमें बाद में अफसोस करना पड़े। इस दौरान जब फ़लस्तीन को हमारी ज़रूरत है और हमारे लोग बसंतबाजी के फेस्टिवल को इंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है।